अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं तहफ़ीम इबारत, जिसका मौजू है बारिश। तो आइए मेरे साथ इसको रीड करें। एक दिन बारिश हो रही थी, हमज़ा, अहमद और गुड़िया बारिश में खेलना चाह रहे थे, लेकिन इनको इजाज़त ना मिली। बच्चों ने सोचा, हम कमरे में जहाज़ जहाज़ खेलते हैं। फिर बच्चों ने कुर्सियों पर कालीन को बिछाया और चादर से जहाज़ की छत बनाई। अम्मी जान कमरे में दाखिल हुईं और पूछा कि ये क्या हो रहा है। हमज़ा ने कहा कि ये हमारा जहाज़ है, आप समंदर में खड़ी हैं, यहाँ से हट जाएं वरना डूब जाएंगी। अम्मी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि हम लोग नाना अब्बू जान के पास जा रहे हैं। जी बच्चों, तो आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़कर सवालात के जवाब दें। पैराग्राफ पढ़ना है और फिर सवालात के जवाब देने हैं। हम सवालात को सबसे पहले रीड करते हैं। पहला सवाल है, कौन बारिश में खेलना चाह रहा था? दूसरा है, बच्चों ने किस से जहाज़ की छत बनाई? तीसरा है, बच्चों ने कुर्सियों पर क्या बिछाया? चौथा है, अम्मी ने बच्चों से क्या पूछा? खाली जगह पुर करें। एक दिन डैश हो रही थी, आप डैश में खड़ी हैं, हट जाए वरना डैश जाएंगी। जी बच्चों, तो हमारे पास ये सॉल्व वर्कशीट है, आप लोगों ने भी इस तरह सॉल्व करना है। नंबर पहला सवाल है, कौन बारिश में खेलना चाह रहा था? हमज़ा, अहमद और गुड़िया बारिश में खेलना चाह रहे थे। नंबर दो है, बच्चों ने किस से जहाज़ की छत बनाई? बच्चों ने चादर से जहाज़ की छत बनाई। नंबर तीन है, बच्चों ने कुर्सियों पर क्या बिछाया? बच्चों ने कुर्सियों पर कालीन को बिछाया। नंबर चार है, अम्मी ने बच्चों से क्या पूछा? अम्मी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। खाली जगह पुर करें। नंबर एक, एक दिन बारिश हो रही थी, आप समंदर में खड़ी हैं। नंबर तीन, हट जाए वरना डूब जाएंगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।